ठीक है ठीक है। शादी बनती पी है। हाँ तैयारी बनाओ पहले। असल गल हाँ नविदा नविदा और देख जरा गल कर उर्दू। हाँ क्या कहिए हमारे मजदूर काम कर रहे हैं। थोड़ा क्या ही है ना सर मैं ठीक प्यारा है। अच्छा ये मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था। जब खजूर का ये फल लगना स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में तो उसकी ना पोलिनेशन की जाती है। पोलिनेशन इसलिए की जाती है ताकि जो है ना वो जो उसका फल है जो उसके डोके हैं वो सही बने। जिसकी पोलिनेशन ना वो ऐसे बन जाते हैं इसको हम बोलते हैं खसी ये वाले। अब ये किसी काम के नहीं होते हैं, मतलब ये अभी पके भी नहीं हैं। देखें कि सीज़न गुजरने वाला ये अभी पके भी नहीं हैं तो ये तकरीबन दो महीने तक ये इधर ही रहेंगे। फिर उसके बाद पकेंगे, फिर इसको जो है चिरिंद ये पंखी वगैरह इसको खा लेंगे। बाकी ये इसके साथ बेबी प्लांट होता है। हालांकि ये इसको तो चाहिए था इनको कि पहले काट लेते लेकिन अभी तक इसको काटा नहीं है। यहाँ से मतलब उतारा नहीं है, काटना नहीं सॉरी, यहाँ से इसको उतार के न्यू जगह पे लगाना होता है। अभी तो ये काफ़ी बड़े हो गए तो ये इससे इफ़ेक्ट इसके ऊपर भी होता है जो जो मदर प्लांट होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। साइज़ देखें माशाल्लाह इतना बड़ा साइज़ आप देखें। ये मेरी तीन इंच की उंगल है, ये इसके बराबर है तकरीबन। तो यही ढक्की खजूर की यही खासियत है। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरह की जो बड़ी खजूर होती है वो काफ़ी हमें फ़ायदा में होती है क्योंकि जो इसके ऊपर हमें खजूर नज़र आ रहे हैं वो हमारी जो सामने नज़र आता है उससे ज़्यादा इसका वज़न होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बड़ा खजूर लें, यानी कि बड़ा दरख्त लें खजूर का। अब ये है छोटा दरख्त, ये देखें इसके ऊपर सिर्फ 2-2.5 गोशे हैं टोटल। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा ये छोटा बाग कम लें और बड़ा बाग ज़्यादा लें। अच्छा बड़े बाग का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर खजूर बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा बाग है ना, बड़े बाग के ऊपर ही खजूर बनती है ज़्यादा, यानी अगर उसको ज़्यादा देर ना काटा जाए तो ऊपर ही खजूर बनती है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ खजूर इसके ऊपर है। ये देखें जी ये उस यानी बड़ी खजूर है, दरख्त बड़ा है ना, इसके ऊपर खजूर तैयार हो गई है। ये खजूर बहुत खालिस होती है, जब उस जो खजूर के दरख्त के ऊपर बनती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। वैसे इसके अलावा हम इसको धोके को काट के हम लोग उसको धूप में खुश करते हैं, वहाँ से खजूर बनती है। लेकिन जो ऊपर बन जाए ना बशे के ऊपर वो बहुत टेस्टी होती है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये खुश है इसके ऊपर बनी हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह ये बहुत खालिस है। ये देखें जी ये देखें, ये बड़ी ऐसे ही लगती है जिस तरह ईरानी खजूर का खजूर की शक्ल नहीं होती वैसे लगती है। ये देखें जी ये ऊपर है ना, ये बारिश का पानी लगा हुआ है, ये साफ़ हो जाती है। ये ख़ास तरीका होता है, इस तरीके से रस्सी के ऊपर गोशे को लटका दिया जाता है ताकि खजूर जो है ना ज़ाय ना हो। ऐसे ज़मीन पर फेंकने से ज़ाय हो जाती है, इस तरह ये उनके कंट्रोल में आ जाती है मज़दूर के।
ये हमारा बाग जो है खजूर का, ये ज़िला डेरा इस्माइल खान केपी के इलाके कीड़ी खैसोर है, जो कि ढक्की के साथ एक गांव है। ढक्की जो ब्रांड है इस खजूर का, वो ढक्की असल में गांव का नाम है वहाँ की, यानी कि ये वहाँ का ब्रांड है। तो ये पूरा इलाका जो है ना ढक्की खजूर की पैदावार के लिए मशहूर है। एक मखसूस तरीका होता है, इसको कमंद बोलते हैं। कमंद के ज़रिए ये खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं। ये कमंद है, इसको देखें ज़रा। मिर्जा चौनी ठीक करो। ये मखसूस तरीका होता है ये कमान डालने का। ये काफी ऊंचा दरख्त है खजूर का। हाँ पितरे ते जाना सब तैन स्पेशल भी आने था सबर कर। चाचा ध्यान करे तो सारे डफे तो कौन नहीं। हाँ ध्यान करे में नौ त्यार लगी ये मुकम्मल डेंगा थी आखिर।